रिसेंट अपडेट्स की एक और वीडियो के साथ मुनीर हुसैन का सलाम जी। एक वाक्या मैं आपको सुना दूं कि एक देहात में पढ़ाने गया, एनजीओ की तरफ से कोई बंदा गया और मुख्तलिफ औरतें भी गईं उनके साथ, तो पूरी एक टीम थी। तो वहाँ उन्होंने सवाल किया एक औरत से, अगर हम आपको 500 रुपये दें और उसमें से आप 300 रुपये जो है वो अपने खाविंद को दे दें तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? तो उस औरत ने जवाब दिया, एक भी पैसा नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, आप हिसाब किताब बिल्कुल नहीं जानती। कहते, नहीं मैं हिसाब किताब तो जानती हूँ लेकिन आप मेरे शोहर शेरू को नहीं जानते। तो मकसद कहने का ये है कि एक तो टेक्निकल बोर्ड ने एक डिसीजन लिया है कि क्यों जो पेपर्स नहीं हुए तो वो 40% रिफंड करेंगे, और इसी तरह से आपके जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनके पेपर्स नहीं हुए तो उनको भी ये मुल्तान बोर्ड जो है और बाकी बोर्ड्स ये फैसला सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और पॉसिबली ये फैसला होगा कि आपके पैसे भी रिफ़ंड किए जाएं और वो सेकेंड ईयर में आपको दिए जाएं। लेकिन सेकेंड ईयर के बच्चों के जो पैसे हैं उसका कोई पता नहीं, वो शेरू के पास चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे जी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक सूरत हाल वहीं की वहीं खड़ी है जहां आज से कोई एक महीना पहले खड़ी थी, कि मज़ीद कोई भी अपडेट्स नहीं आ रही कि पेपर्स कब होंगे, डेट शीट कब होगी, और अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया जिसमें पासिंग मार्क्स है। और एक सबसे बड़ा मसला जो मैं है आपको बता दूँ वो ये है कि जो सेकेंड ईयर के बच्चों को पास किया जा रहा है तो क्या ये डिग्री इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगी? क्या इंटरनेशनल लेवल पर आपको पास तसव्वुर किया जाएगा, या वो ये कर देंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।